वेलकम टू अकरम डेरी फार्म चैनल। आज हम हैं अजवा गोट फार्म पर, और जैसे माशाल्लाह आप सभी लोग पहचानते हैं हारिस भाई को, यहाँ के ओनर है हारिस भाई। तो सारी डिटेल्स में हम बात करने वाले हैं आज, और क्या क्या सेल के लिए अवेलेबल है यहाँ पर, कौन से बकरे हैं, बहुत ही शानदार कलेक्शन है। क्या आप अपने पशुधन को बेचना चाहते हैं? बाजार में खरीदारी की कमी और सही कीमत नहीं मिलने के वजह से थक चुके हैं? बार बार बाजार जाने के बावजूद सही नस्ल के पशुओं के ना मिलने के वजह से परेशान हैं? पर अब और नहीं, स्वागत कीजिए एनिमल सेल्स ऐप का, पशुधन के खरीदने और बिक्री के लिए बनाई गई एक बेहतरीन ऑनलाइन मंडी, जहां आप पशुओं को खरीदने और बेचने के लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक सिर्फ अपने फोन के द्वारा पहुंच सकते हैं। तो अब देर किस बात की, पशु व्यापार को एक आसान बनाने के लिए अभी ऐप डाउनलोड करें। जैसे आप लोग देख रहे हैं यहां पर सोजत है, सिरोही की एक शानदार बकरी है, और कुछ बेबी शिप्स भी है। तो सारी डिटेल लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई, कैसे हारिस भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, क्या हाल है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा चल रहा काम अगर आपका? अल्हम्दुलिल्लाह अभी अच्छा है, तो पहले से बहुत बेहतर है। अभी लॉकडाउन था ना, तो अभी जो पलई का रिजल्ट है आपके पास कैसा चल रहा है? माशाल्लाह वो तो अच्छा ही है, बहुत प्यारा है ना। तो अभी सेल के लिए क्या क्या बतलाने वाले हैं आप? सेल के लिए अपन कोठा बे, कोटा और सोजत, कोटा है सोजत है, और दो बेबी शिप भी आपके पास। चलिए तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम, ये बच्चे, ये कोटा है। ये कोटा है, ये कोटा है जी, करौली कोटा नहीं होता ये जी जी कोटा। और कितने दांत पे है ये? अदंत है पूरे बच्चे, अदंत है। क्वालिटी माशाल्लाह बहुत अच्छी है इसकी, माशाल्लाह है। और क्या वेट में होगा? सिक्के भी है लॉन्ग के। अच्छा, गोल सिंग वाला है, गोल सिंग वाला है, यानी सिक्का बने हुआ है इसके ऊपर। और बिल्कुल देखिए आप, ब्लैक कलर में है, बहुत ही शानदार कलेक्शन है इसका जी। और वेट क्या होगा इसका? इसका वेट एक 25-28 किलो का है, 25 से 28 किलो है। तो क्या इसका आस्किंग प्राइस रख रहे हैं आप? इसका आस्किंग प्राइस 9,500 रुपये, 9,500 इसका आस्किंग प्राइस है। चलिए बहुत वाजबी दाम है देखिए आप, और ये नेगोशिएबल करेंगे इंशाल्लाह, कुछ भी कर देंगे कम, कोई फिक्स नहीं है मगर रेट अपने पास। चलिए 9,500 के अंदर कोटा ब्रीड का बकरा है यहाँ पर, बच्चा है अभी, और प्राइस भी बहुत कम है, वेट भी माशाल्लाह देखिए आप 25 से 30 किलो के आसपास का है। नेक्स्ट में ये कोटा है, ये ब्राउन कलर में कोटा है, मगर माशाल्लाह झालर पट्टी, इसको वो सिक्के सिंग थे, इसको ड्रिल सिंग है जी जी, ड्रिल सिंग बोलेंगे इसको, वो ड्रिल के जैसा रहता ना। अच्छा, उसमें है लफ्ज़े कोठा के अंदर पूरे सिंग कर्व आते ना, गोल रहते। और क्या वेट होगा इसका? इसका भी सेम है, सेम लगभग 25-30 के आसपास, दो किलो ऊपर नीचे हो जाएंगे जी। इसका क्या प्राइस रख रहे हैं आप? इसका भी जो है सो अपन 9,500 रुपये, 9,500 इसका भी आस्किंग प्राइस है। कान भी बहुत अच्छे हैं इसके, अगर और कोई जोड़ा लेना चाह रहा तो अपन दे देंगे उसको 18,000 में। बच्चों का? नहीं नहीं, ये और जैसा कि ब्लैक है। अच्छा, यानी दोनों भी नर बच्चों का जी। चलिए, और ये दोनों प्राइसेस कम कर देंगे अगर जोड़ा लेंगे, अगर जोड़ा ले रहे हैं जी तो 9,000 में दे देंगे, 9,000 में दे देंगे आप, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट, इसके बाद नेक्स्ट, यानी ये जोड़ा है जो बोल रहे थे हारिस भाई, 9,500 ईच वन का प्राइस है, अगर जोड़ा ले लेंगे कोई भी तो 9,000 से दे देंगे। वेट भी 25 किलो के ऊपर ऊपर है, अगर मटन के हिसाब से भी लिए तो कोई मुश्किल की बात नहीं, यानी वेट के हिसाब से भी अगर ले रहे हैं तो भी फायदे तो भी रहेंगे, नुकसान वाला काम नहीं है। कल के दिन अपन शौक हट के भाई कुर्बानी को देना है, कुर्बानी में भी काट ले सकते हैं आप ये बिल्कुल। और स्पेशली आपके पास वैसे ही रेट बहुत ज़्यादा कम रहते हैं जी, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी भी जो कलेक्शन है ये भी जानवर भी साफ रहता, क्वालिटी पे है। देखिए सबसे पहले मैं बता दूँ, ये ट्रस्टेड पर्सन है, आप लोग बेफिक्र होकर आके ले सकते हैं यहाँ से, ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है भाई के पास, लेकिन मैक्सिमम ट्रांसपोर्ट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, प्राइसेस इतने कम रहते हैं यहीं पर सेल हो जाते। तो जो लोग इंटरेस्टेड हो जल्द से जल्द कॉल करिए, बहुत सारा कलेक्शन है, हम सारे बतलाएंगे इसके अंदर। तो नेक्स्ट फिर देखिए आप, फिर कोठा के दो बच्चे हैं यहाँ पर, और ये भी दोनों दूध के दांत पे है ना? हाँ, ये पूरे मेरे पास जितना भी कलेक्शन है अभी दूध के दांत पे, ये बच्चे गला झालर पट्टी भी देखिए इसकी, बहुत अच्छी है ये। और क्या वेट होगा इस बच्चों का? इसका वेट है 22 किलो का वेट है इसका, 22 केजीस है, और गोल बच्चा है देखिए आप जी। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, इसको ये तलवार शेप में है इसका कान। अच्छा जी, और क्या प्राइस आप रख रहे हैं इसका? इसका प्राइस है 8,000, यानी ईच वन 8,000 का है। इसके साथ में ये एक बच्चा है ना? हाँ ये एक है, इसका भाई एक है।
तो दूसरा वाला ये है आपके पास जी हाँ, और ये भी लगभग सेम आसपास वैसे ही है। हाँ सेम, यानी कान की क्वालिटी भी वैसे ही है, बॉडी स्ट्रक्चर भी वैसे ही है, वेट भी आसपास बॉडी वेट सेम है समझो भाई। तो ये दोनों भी ईच वन 8000 में रहेंगे, 8000 में। ये 16000 पे जोड़ी रहेंगी, 16000 में जोड़ी है। चलिए बहुत अच्छा कलेक्शन है। चलिए ये बच्चे अगर कोई पलई पे लेके रखना चाह रहे हैं आपके, स्पेशली जैसे पलई का काम बहुत ज़्यादा है आपके हाँ, पास। हाँ अभी पलई का काम जो है सो अभी बाहर का माल नहीं ले रहे अपन जी, जो अपने पास लिए ज़्यादातर तो अभी थोड़ा पलई का काम रोक के रखे, यानी सेलेक्टेड तो, जानवरों के ऊपर ही आप जी पलई का काम कर रहे हैं जी। फिर ट्रेडिंग का भी काम है थोड़ा, फिर उसके ऊपर अगर अपने पास से ले रहे हैं तो कुछ अपन अपने पास से जो जानवर लिए उसी को रखेंगे जी, वो भी इसकी कम गुंजाइश रखने के लिए, क्योंकि स्पेस कम है, पलई के जानवर ज़्यादा है इधर। बिल्कुल, अगर अपने पास से ले रहे कोई रखना चाह रहे जब भी रखो, मगर बाहर के जानवर अभी फिलहाल नहीं है, बकरी तक सिर्फ जी। तो अभी सोजत के बच्चे हैं आपके पास और? जी हाँ अलहमदिल्ला। चलिए तो नेक्स्ट, इसके बाद ये सोजत है आपके पास जी भाई, दो और सोजत के दो बकरे हैं। हाँ दो सोजत है। कितने दांत पे है ये? दोनों भी अदंत है। दोनों भी अदंत है ये? हाँ माशाल्लाह। और क्वालिटी देखिए आप, जैसे आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, बहुत ही शानदार बकरा है सोजत का। शानदार है, फुल शाइनिंग। ये मुंडा है ना? हाँ ये मुंडा है, ये सिंग में है सोजत। ये सिंग वाला है और ये मुंडा है। हाँ। यानी इसके सिंग नहीं है और इसके सिंग है, जिसको सिंग नहीं रहते उसको मुंडा बोलते हैं। और क्वालिटी देखिए आप माशाल्लाह, बिल्कुल शाइनिंग वगैरह बहुत प्यारी है इसकी। और क्या वेट होगा हर इस बैच का? इसका वेट है मेरे अंदाजे से बता रहा हूँ 38 तो रहेंगे इंशाल्लाह। 38 इंशाल्लाह प्लस में ही आएगा। हाँ तो इसका वेट क्या रहेगा? इसका भी रहेगा वही लगभग सेम है उतना ही। तो क्या प्राइस रख रहे हैं आप लोगों का? ये बकरों का अपन 29000 कोट कर रहे हैं दोनों का। 29000 ईच वन है, पेयर का है क्या? नहीं पेयर दोनों पेयर। पेयर 29000 है जी, यानी 14500 रुपये जी। 14500 रुपये पर पीस सोजत के अंदर 14500। और ये क्वालिटी है, आप लोग लाइव आइए चेक करिए, यहाँ पर चेक करके लाइए अजवा गोट फार्म। ये देखिए बहुत फुर्तीला और अच्छा बच्चा है। नेक्स्ट इसके बाद और क्या है आपके पास? मेरे पास एक खस्सी में गुजरी है और एक करोली कोटा है, और दो बच्चे हैं मेंढे के। नेक्स्ट ये है देखिए आप, ये खस्सी में गुजरी है भैया, खस्सी में गुजरी है। हाँ माशाल्लाह फुल हाइटेड का है बकरा, जैसा कि अपने पास लचकदार है, खसी है, हाइट में भी बहुत ज़्यादा है ये, कमर कमान अच्छी है बहुत जी। बिल्कुल कमर बहुत अच्छी है इसकी, लचक है इसकी कमर में जी। तो ये बकरा क्या वेट पे है हरीश भाई? इसका वेट 40 किलो के ऊपर है अभी, दो दांत तोड़ दिया इसमें। हाँ दो दांत तोड़ा हुआ है, अदंत नहीं है, दो दांत तोड़ा लेकिन लगाया नहीं। नहीं हाँ तो बहुत ज़्यादा कंडीशन होगी इसकी, दो दांत कट दिया ये, दो दांत कर दिया। तो दो दांत पे भी माशाल्लाह बहुत अच्छा माशाल्लाह है। अपने पास नेक्स्ट ईयर के लिए पलटाते नहीं जैसा बकरे जी, अगर कोई आउट ऑफ वाले रहते तो ऐसे बकरे पिछले साल के लिए पलट ही मार देंगे, पलाई पे अगले साल के लिए तैयार कर दिए। मैक्सिमम अदर स्टेट के अंदर देखिए आप लोग, यहाँ पर एक सोच है जैसे 6 दांत 8 दांत हो गया तो बकरा बुढ़ा हो गया वगैरह बोलते हैं, असल तैयारी बकरे की 6 दांत 8 दांत के ऊपर अच्छे हैवी वेट के अंदर आता। तो ये अभी दो दांत जस्ट लगाया, तो उसके बावजूद इसका 40+ में वेट है और हाइट वगैरह बहुत अच्छी है इसकी, गुजरी के अंदर है। क्या प्राइस रख रहे हैं आप इसका? इसका अपन 16500 रख रहे हैं। 16500 इसका असिंग प्राइस है जी। ये भी नेगेशियबल करेंगे इंशाल्लाह, नेगेशियबल करेंगे माशाल्लाह। और सिंग वगैरह भी देखिए बहुत अच्छे हैं इसके। नेक्स्ट इसके बाद ये दो बच्चे हैं जो भाई के पास तेलंगाना के अंदर, और कलरफुल है तेलंगाना पोटले के अंदर। ये दोनों अदंत है ना हरी भाई? हाँ अदंत है दोनों भी, अदंत है, सिंग निकले हुए हैं लोगों के जी। वेट क्या होंगे लोगों का? लोगों का वेट एक 28 रहेगा, मगर मैं वेट के हिसाब से बोले तो एक 14-13 किलो मीट है लोगों में एक एक में। हाँ यानी टाइट बच्चे हैं, बहुत टाइट है, एकदम डबल बोन के पुट्ठे हैं, बेहतरीन। आप लोग लाइव आके तो देखिए आप, तेलंगाना के दो बच्चे हैं यहाँ पर और बहुत अच्छे वेट के अंदर है। हरीश भाई ये बच्चे जैसा आप बतला रहे थे अभी बहुत घट बच्चे हैं जी, तो लोग अगर देखेंगे तो मैं समझता हूँ इसके अंदर अंदाज़ा नहीं होगा आप लोगों को, साइज़ में कम दिखेंगे। कलर बहुत खूबसूरत है, घट बच्चे हैं। आप लोग लाइव आके चेक करिए, लाइव अगर आप लोगों को देखेंगे तो समझ में आएंगे माशाल्लाह वेट आएगा। आप लोग लाइव आके चेक कर सकते हैं, देखिए बहुत अच्छी क्वालिटी में है ये। तो जो लोग स्पेशली घर में बैठ के कमेंट्स करते हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा आप लोग लाइव आइए चेक करिए, चेक करके लीजिए। और ये कोई ऐसा काम नहीं है जहाँ पर आप मंडी में हैं आज बेच दिए चले गए बोले, वैसा ट्रस्टेड पर्सन है, मैं फिर से एक बार बता रहा हूँ आप लोगों को। लाइव आके चेक करिए यहाँ पर हरीश भाई के पास, और ये बच्चों को आप ईद के लिए भी तैयार कर सकते हैं। मीट वेट भी जैसा बतला रहे भाई 12.5 किलो का इसका मीट का वेट है, लायक है समझो भाई बच्चे, वेट में अच्छे है, सिंग भी आ गए इसके। क्या प्राइस रख रहे हैं आप इसका आस्किंग?
इन लोगों का प्राइस अपन 16,500 पे जोड़ी है, 16,500 में जोड़ी है। अच्छा, तो इसके अंदर नेगोशिएबल करेंगे? नेगोशिएबल कर देंगे। नेगोशिएबल यानी देखिए आप 8,000 में एक बच्चा पड़ रहा और वेट के हिसाब से 12.5 किलो का आसपास लगभग वेट है, मीट का वेट लाइव वेट में 25 kg से 8,000 में पड़ रहा आप लोगों को, ये भी स्लाइटली नेगोशिएबल है। और कुछ है आपके पास बतलाने के लिए? बस अभी यही है। रेडी, चलिए नेक्स्ट। आप देख रहे हैं ये करौली कोटा है, और ये है करौली कोटा जी, इसकी अच्छी क्वालिटी में है माशाल्लाह, बहुत अच्छे हैं और कम उम्र का है बच्चा, कम से कम 5-6 महीने का ही होगा। इसकी गला पट्टी भी है, झालर भी है इसके गले के नीचे। और क्या लाइव वेट रहेंगे इसका हरीज भाई? इसका भी एक 20 किलो के आसपास रहेगा, लाइव वेट 20 किलो के आसपास रहेगा जी। और क्या प्राइस रहेगा इसका? इसका प्राइस जो है सो 7,500 पे रहेंगे, 7,500 इसका आस्किंग प्राइस है जी। ये नेगोशिएबल है मुख्तसर, चलिए स्लाइटली नेगोशिएबल है ये भी, आप लोग लाइव आके चेक करके लिए ये भी। और भी इसी तरह बहुत सारे ब्रीड्स यहाँ पर मिलेंगे आप लोगों को अजवा गोट फार्म पर। तो फिर से मैं एक बार आप लोगों से ख़ास रिक्वेस्ट करूँगा, आप लाइव या एक जगह नहीं, जो भी वीडियोस आ रहे हैं आप लोग लाइव जाइए चेक करके लीजिए। जैसा मैं लास्ट वीडियो में वीडियो के अंदर आप लोगों को बतलाया 100+ kg के अंदर विलायती था, तो आप लोग अगर वीडियो के अंदर देखेंगे तो यकीनन उसके अंदर नेगेटिव कमेंट्स करेंगे। तो एक बार जाइए आप लोग जाके लाइव चेक करिए, डायरी के ऊपर पला हुआ मेंढा है वो भी। और यहाँ की और एक वीडियो EDF अकरम डेयरी फार्म जो हमारा दूसरा चैनल है उस पर अपलोड कर चुका हूँ मैं, कोशिश करेंगे इंशाल्लाह अच्छी से अच्छी चीज़ आप लोगों को बतलाएँ और आप लोगों का फ़ायदा हो। इसी तरह मिलते रहेंगे फिर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।